तो एपिसोड के स्टार्टिंग में फुबुशी कह रहा होता है कि तुम मेरे जो ब्रदर है, ओल्डर ब्रदर, उनने बताया था कि तुम्हारे जो डायमेंशन है वो काफ़ी ख़तरनाक है। जू युआन कहता है कि असल बात यह है कि तुम्हारे जितने भी ब्रदर वगैरह है, 4 एल्डर ब्रदर, उनको मैं नहीं मारा था। और तुम्हें क्या लगता है, 15 साल पहले की इन्फॉर्मेशन अभी भी सही होगी या उनने जो कहा है वो सही है, तुम्हें श्योर हो क्या? जीशन सॉफ्ट वाले के साथ फाइट कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी तेज़ी से हमला कर रहा है, मेरे को उसको डॉच करना पड़ेगा। जीशो कहता है कि सारे लोग यहाँ अपनी फाइट देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि मेरी मदद कोई नहीं करेगा, मुझे खुद से ही इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा और बैटल को लंबा खींचना पड़ेगा। वो डीमन होता है, वो कहता है वर्ड लॉक स्वयं बार कुछ अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे जीशो का पकड़ लेता है। जैसे वो काला वाला उसको पकड़ता है तो वाइट वाला हमला करता है। जीशो कहता है अब मैं इसको डॉच नहीं कर पाऊंगा। तेन जो काला वाला हिडन वाला होता है उसको अचानक से कोई काट देता है, और ये भी कोई हिडन वाला ही रहता है, मतलब एक हिडन वाले को काट देता है। देन हिडन वाला जो उसको बचाने के लिए आया रहता है जीशे को, अपने कंधे पे उठा के भागने लगता है, और वो दोनों कहते हैं कि आखिर कहाँ जा रहे हो। व्हाइट वाला उसे चिल्ला के कह रहा होता है उसको नीचे रखो, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। देन दाजी कहती है हनी, और यहाँ पे दाजी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपने कुछ टेल्स को रिलीज करती है, यहाँ पे वो 7 टेल को रिलीज करती है। उसके रास्ते में आते हैं दाजी, उन सभी को मारते जा रही होती है, तभी वो आता है, फूकी होता है, मतलब जो फूकी होता है वो वहाँ पे आता है। फूकी दाजी से कहता है, दाजी उन सबसे कहती है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, तो फूकी कहता है तुम्हारे सपने में तुम्हारे साथ अभी हमारा खेल जारी है और जारी रहेगा। दाजी उससे कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें मरने की ज़्यादा जल्दी है। मेरे हनी मना करते हैं कि मैं किसी को मारूं, पर तुम जैसे क्रिएचर को तो मारना बनता है, क्योंकि मेरे को तुम्हें यहाँ पर मारना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो हनी को बचाने से। यहाँ पे फूकी हैरान हो जाता है और कहता है 10,000 एयर गोल्ड फायर विद पावर ऑफ लॉ, ये क्या है? और वो मन में सोच रहा होता है ये हमारे लिए बहुत बुरा है। देन दाजी कहती है अब तुम मरने वाले हो, और ये सडनली वो एकदम से उसके पेट में अपने हाथ को घुसेड़ देती है जिससे वो उसको मार डालती है। यहाँ पे फूकी कहता है कि चलो मैं मरने जा रहा हूँ, पर फू मेंडाओ ने यहाँ पे अपने फ्लाइंग टैलिस्मैन को यूज़ करते हुए निकोलस को लेके यहाँ से भाग चुका है, वो तो पहले ही भाग चुका है, मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया है। फू मेंडाओ कहता है प्राइमरी टारगेट सिक्योर इंडिया पे, उनके साथ वो भी होती है जीशो की सिस्टर, और उसको पकड़ लिया गया होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि अचानक से जो भी वो डीमन थी या स्नेक डीमन जो भी थी वो अचानक से डिसअपेयर हो गई, देन हमको मौका मिलती हमने उनको पकड़ लिया। देन दाजी चिल्लाते हुए कहती है कि हनी आप कहाँ हो, आप यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रही, और यहाँ पे उसने सॉफ्ट और स्वाटर को मार दिया। देन दाजी कहती है हनी आप कहाँ पे हो, और यहाँ पे वो कहती है कहाँ चले गए, मैं हनी को सेंस नहीं करवा रही, इसका मतलब है वो उन्होंने कहीं टेलीपोर्ट कर लिया या तो कोई उन्हें उठा के ले गया है। पे दाजी काफ़ी गुस्से में होती है और कहती है मेरे को मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के ले आऊँगी हनी, भले ही तुम कहाँ पे भी हो मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूँगी। देन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मैं तुम्हें मार डालूंगी और अपने हनी को बचा लूँगी, ऐसे करके दाजी कह रही होती है काफ़ी गुस्से में। और यहाँ पे जो जीशो होता है वो अलग ही एक मैजिक बॉल या कोई भी बबल होता है उसके अंदर होता है। देन जीशो कहता है टामा और तुम दोनों तुम्हारी शुक्रिया जो तुमने इतने बड़े इसी चीज़ को कंट्रोल करते हुए मेरी जान को बचा लिया, थैंक यू। टामा कहती है विशोल्ड हम सेफ हैं, टामा कहती है कि ना अब हम सेफ हैं और अब सब कुछ ठीक है। देन जीशो उससे कहता है, जीशो उन दोनों से कहता है मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्या तुम दोनों मुझे जाओमी के पास छोड़ दोगे वरना वो परेशान हो जाएगी। अरे कोई इस इडियट को बताओ कि ये किडनैप हो चुका है, हम कितनी देर से ये इसको पता भी नहीं चला कि हमने इसको किडनैप कर लिया, क्या बेवकूफ़ बंदा है। और यहाँ पे दाजी कहती है मुझे क्लेम डाउन होना होगा और मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि उनका मोटिव क्या था ये सडनली अटैक करने का। प्रोबेबली हो सकता है कि वो जो हनी को किडनैप किया गया है वो या तो वो सूट वाले ने किया है या तो वो हिडन वाले ने। देन यहाँ पे दाजी कहती है मैंने जल्दी रश कर दिया, एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे अलाय वाले से वो इंट्रोगेट कर लेना चाहिए, मतलब पूछ तलाछ कर लेनी चाहिए थी। देन जीशो के डैड यहाँ पे फूबुशी को भी हरा देते हैं, और फूबुशी यहाँ पे काफ़ी जख्मी हालत में होता है। फूबुशी से वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ तुम्हारा कोई भी साथी नहीं है जो जिंदा बचाओ, आखिर तुम हो कौन और तुमने भला मेरे हनी को किडनैप क्यों किया, मुझे साफ साफ बताओ, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें यहीं से जान से मार डालूंगी। और यहाँ पे चश्मे साला कहता है क्या हम जीत गए, यहाँ पे दाजी से वो बंदा कहता है मुझे मार डालो अब मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। दाजी फूकुशा उसे कहती है कि मेरे पास अपने रास्ते हैं और अपने तरीके हैं तुम्हें सारा जो भी है बुलवाने के लिए। देन दाजी अपने हिप्नोटाइज या जो भी उसका अटैक रहता है जिससे वो किसी की भी वो बातों को गलवा सकती है। यहाँ पे जीशो की डैड कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है इस पर अपनी पावर्स को ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, इससे भले तुम फोर्सफुल इसकी मेमोरी को रीड कर लो पर इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं जैसे कि अपने बेटे यानी जीशो को जानता हूँ तो वो फिर बिल्कुल सेफ़ है, अभी के लिए हमें अपनी करंट सिचुएशन को देखना चाहिए, वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा जीशो। यहाँ पे दाजी कहती है अच्छा मैं समझ गई, जीशो की डैड कहते हैं अच्छा ठीक है तुम समझ गई। यहाँ पे दाजी कहती है क्या आपको पता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और आखिर ये हुआ क्या था।
ऋषि के डैड कहते हैं कि मैं फैमिलियर हूँ लैंडसी तलिस्मन सेक्टर से और मुझे डेफिनेटली पता है उन्हें वो चाहिए होगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे सारा प्लान शायद से फूमेंडाओ का था। दादी कहती है कि आप उसको ढूंढ सकते हो। उस दिन ऋषि के डैड कहते हैं हाँ मैं उसको ढूंढ सकता हूँ, मैं जानता हूँ उसके लुक्स एंड नेम को। और यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहते हैं आ डायमंड आ वन ऑन वन डुअल विद फूमेंडाओ। और फिर हाँ कहते हुए शायद अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए भेजते हैं और फिर कुछ पावर्स को भेजते हैं और कहते हैं ओके मैंने लॉक कर लिया उसको। ये जो तुमने अभी स्पेल को कास्ट किया इसके वजह से तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चली गई है, क्यों ना इसे तुम हनी को ही ढूंढ लो डायरेक्टली। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जब मैं किसी को अपनी अल्टीमेट शोडाउन टेक्निक से लॉक कर लेता हूँ तो वो यहाँ पे और फिर वो उसको मैं ढूंढ सकता हूँ, पर अगर मैंने उसको दोबारा यूज़ करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टाइम। क्या ये जू फैमिली टेक्निक कितनी वियर्ड है। जू फैमिली जो कि जू जुआन है वो उसने रश कर दिया लेडी बाई को सेव करने के लिए, इसी वजह से जो है जू फैमिली की टेक्निक वो वेस्ट ही है और डिफरेंट है नॉर्मल से। दादाजी कहती है तो ये स्पेल काफ़ी अच्छा है, चलो अब ये मदद करेगा हमारी उनको ढूंढने के लिए, तो चलो चलते हैं। दादाजी कहती है आपको कैसा फील हो रहा है। दादाजी कहती है आपको क्या हुआ, आप ज़मीन पे क्यों लेट गए। ऋषियों के फादर यानी यहाँ पे वो कहते हैं जू युआन की फ्यू हमें बच गया, मेरे को थोड़ी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मुझे रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, अभी मैं रिकवर नहीं हुआ। देन हम देखते हैं ग्रैंडपा का सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके बेड के बगल में तो कोई अलग ही जो लोग समझ रहे हैं कि उनके बेड के बगल में कोई लड़की है तो ऐसा कुछ ही नहीं है, वो तकिया पे फोटो बनी है। देन सुबह सुबह ग्रैंडपा का फ़ोन बजता है, ग्रैंडपा कहते हैं कौन है और फिर वो फ़ोन उठाते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं ये 3 in the morning है तो कौन है जिसने फ़ोन किया। देन की यहाँ पे वो कहती है दादी बात करी होती है और कहती है जियांग जीशन जल्दी से अब कीकी को लो और इधर आ जाओ जो तुम्हारा डिसाइपल है वो किडनैप हो चुका है, और वो चिल्ला कहती है जिसकी वजह से ग्रैंडपा के कान में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं क्या वाकई में क्या तुम मेरे से मजाक कर रही हो या फिर सच में कह रही हो मेरा डिसाइपल किडनैप हो गया वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। हाँ जियांग जीशान तुमने बिल्कुल सही कहा, वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और यहाँ पे जियांग जीशान कहते हैं चलो फाइन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ हमें लैंडसी तलिस्मन सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो उनकी एंगल ब्रांच होती है, वो सॉरी लॉस एंजलस ब्रांच जहाँ पे कुर्सियाँ बिछाई होती है और यहाँ पे कोई से बात कर रहा होता है हमारा फू मैंडियाओ। फॉक्स डीमन ने सारे लोगों को मारने के बाद सिचुएशन ऐसी थी कि उन्होंने कोनिकुलस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी और यह प्लान करी थी हवाई से लीव करने की विद जू युआन के साथ और बाकियों के साथ, और उस टाइम मैंने रिस्फोर्समेंट का यूज़ किया, वो लोग तो ऑलरेडी लेफ्ट हो गए थे आइलैंड से, मेरे पास और कोई चारा नहीं था तो मुझे रोकने के लिए रिस्फोर्समेंट करना पड़ा एंड थैंकफुली हमारा जो मिशन है वो अकम्प्लिश्ड हो गया। यहाँ पे एक टकला बंदा कहता है पर क्या कोमेंडा कहता है एवरीवन जो है सारे लोग जो है वो, और यहाँ पे वो जो बूढ़ा मास्टर होता है जो कि उनके सामने खड़ा होता है और वो शायद इनका लीडर है या फिर पता ही नहीं कौन है, वो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। वो कहता है कि हाँ मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो पंख जो कमीना वो जू युआन यानी जिशु के डैड वो इतने बड़े वैसे है कि वो फॉक्स टीम के साथ मिलकर स्टील कर रहे थे कॉर्निकुलस को अपने लिए। देन हमें थर्ड एल्डर एच क्यू फूजियान को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि वो पंक उसको तो हमें मारने पड़ेगा वो बहुत हरामी है, मैंने आपसे कहा था ये सारा कुछ मैटर ऑफ टाइम है मतलब बेकार है जो भी मानो आप। और यहाँ पे जो बड़े वाले मास्टर होते हैं वो अभी कुछ सोच रहे होते हैं और उन्हें शक होता है कि ये जो भी बोल रहा है फूमेंडा वो कुछ ना कुछ गलत बोल रहा है। और यहाँ पे एक पर्सा उठते आता है और कहता है मैं इससे एग्री नहीं हूँ, क्या तुम सब लोग भूल गए जब हमारे जो सेक्टर्स पे इफेक्ट हुआ था जब कर्निकुलस लास्ट टाइम लेफ्ट हो गया था, और ये हेड ऑफ जापानीज ब्रांच का फूड हुआ है। और यहाँ पे जो मेन मास्टर होते हैं वही वाले बड्डे वाले वो कहते हैं फूड आओ द कर्निकुलस जो था ना वो फाउंडिंग किया था सेक्टर मास्टर फ्रेंड ने, वो हमारे सीनियर थे मतलब वो जो लड़की थी वो उनकी सीनियर थी नॉट हमारी पोजीशन पे, वो हमारी पोजीशन पे नहीं, हमारे पास कोई राइट नहीं है रिफ्यूट करने के डिसीजन को, उन्होंने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट किया था लैंडसी तलिस्मन के लिए। और यहाँ पे वो कहते हैं पर जो फर्स्ट एल्डर है और वो कहते हैं फर्स्ट एल्डर, फिर वो कहते हैं मैं इससे डिसएग्री करता हूँ मेरे को बिलीव है वो कंट्रोल कर सकते कनिक्यूलस पे वो भी कम्प्लीटली और इससे इनफाइनाइट बेनिफिट होगा हमारे सेक्टर को, उससे हमारा जो सेक्टर है वो पूरी तरह से तरक्की हासिल करेगा, मेरे ख्याल से बैक करना चाहिए और वो जो वही उसको सेव करेंगे।
वरना तो ये यूजलेस है। अगर ये रिकवर होता है तो हमें इसकी जो है वर्शिप करनी पड़ेगी और ट्रीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लड़की कोई एल्डर होती है, वो कहती है कि ये कोनिक्यूलस को देना, हमको अपने पास उसको संभाल के रखना चाहिए, ये एकदम सही रहेगा। देन दूसरे वाला बंदा कहता है कि अगर ये जूजियान के पास चला गया तो उसने हमारे प्रॉमिस को तोड़ा है और उसने हमारे लोगों को मारा है। देन जो मेन जो कि एल्डर होते हैं शायद से, वो कहते हैं, वे बूढ़े वाले जो कि कहते हैं, मेरे ख्याल से जैसे तुम फैक्ट बता रहे हो वो बिल्कुल सही है और वो गुड पॉइंट है। देन यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलूंगा अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।